जिस सर्वसम्मति से रविशंकर शुक्ला को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री चुना गया था वो उनकी चिता ठंडी होने से पहले ही बिखर गई। इसका सबसे बड़ा सबूत थी हड़बड़ी में बुलाई गई मध्य प्रदेश कैबिनेट की वो बैठक जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री चुना जाना था। सबको लगा कि अब वो होगा जो कांग्रेस हाईकमान और नेहरू चाहते थे, मध्य भारत के मुख्यमंत्री और शुक्ल कैबिनेट में नंबर दो तख्तमल जैन अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि तख्तमल जैन का नाम सघोष कोई लेता, बुजुर्ग कांग्रेस नेता शंकर लाल तिवारी ने एक ऐसा नाम आगे बढ़ा दिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, भगवंतराव मंडलोई। महाकौशल के खंडवा से आने वाले मंडलोई का नाम आने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बाद किसका नाम लिया जाता। तख्तमल का नाम लेते ही मामला मध्य भारत कांग्रेस कमेटी बनाम महाकौशल कांग्रेस कमेटी हो जाता और ये लड़ाई 88 विधायकों वाली मध्य भारत कांग्रेस 150 विधायकों वाली महाकौशल कांग्रेस से सपने में भी नहीं जीत सकती थी। बमुश्किल दो महीने पहले एक छत के नीचे बैठी मध्य भारत, विंद और महाकौशल की कांग्रेस कमेटियां अलग अलग दिशाओं में भाग रही थीं। तख्तमल हाथ मलते रह गए और भगवंत राव मंडलोई पहली बार बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कार्यवाहक ही सही लेकिन मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की ये नई सीरीज इलेक्शन स्पेशल जिसे पेश कर रहा हूं मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। मंडलोई के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनसे जुड़ी ज्यादातर दिलचस्प घटनाओं में कर्ता वो नहीं थे और यही शायद उनके जीवन की त्रासदी भी थी। ऐसे ही कुछ किस्सों का जिक्र अब आपके सामने। 1892 में पैदा हुए मंडलोई खंडवा से थे, वही खंडवा जहां कुमुदलाल गांगुली और आभास कुमार गांगुली आकर बसे। नहीं समझ आया, ऐसे समझिए वही खंडवा जहां अशोक कुमार और किशोर कुमार अपने शुरुआती सालों में रहे। वकालत से करियर शुरू करने के बाद मंडलोई स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस से जुड़े, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले 50 साल उन्होंने खंडवा में ही लगाए। आजादी के बाद रविशंकर शुक्ल के कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद मिला, तब जाकर वो सूबे की राजनीति में उठे। इसलिए नए मध्य प्रदेश के दीगर नेता उन्हें अपने से काफी जूनियर मानते थे, खासकर वो जो आजादी से पहले ही कांग्रेस में ऊपर उठ गए थे। इन्हीं में से एक थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सेठ गोविंद दास, जिनके दिल्ली वाले बंगले पर रविशंकर शुक्ल ने आखिरी सांस ली थी। मंडलोई के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते ही एक संभावना पैदा हो गई कि स्थायी मुख्यमंत्री पद भी महाकौशल के पास ही रहे, और महाकौशल से कौन, गोविंद दास कहते थे मैं। लेकिन गोविंद दास के बेटे जगमोहन दास ने उन्हें टोका और कहा कि नेहरू शायद आपको लोकसभा में ही रखना चाहें। फिर यह खतरा तो था ही कि महाकौशल में फूट पड़ने का फायदा उठाकर तख्तमल मुख्यमंत्री बन जाएं। पत्रकार और संपादक रहे मायाराम सुरजन अपनी किताब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के में लिखते हैं कि तब गोविंद दास ने अपने बेटे जगमोहन से सवाल कर दिया था, छोटे बाबू क्या तुम्हारे लिए मैं अपना भविष्य नष्ट कर दूं। बात दरअसल ये थी कि जगमोहन दास उपमंत्री रहते हुए मंडलोई के ही डेप्यूटी थे, जिस मंत्रालय मंडलोई थे उसी मंत्रालय में ये थे, खूब बनती भी थी। इनको लगा कि अगर मंडलोई सीएम बन जाएंगे तो मैं पक्का कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा, और यही वजह थी कि गोविंद दास को अपने बेटे की नियत पर शक हुआ। इसके बाद गोविंद दास ने तख्तमल से हाथ मिला लिया और हाईकमान के सामने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मध्य प्रदेश को मंडलोई की जगह कोई सक्षम मुख्यमंत्री चाहिए। दिल्ली में दोनों नेता जा जाकर कभी मौलाना आजाद से मिलते, कभी नेहरू से, कभी पंत से। विंद कांग्रेस के जो एक और झांकड़ नेता थे शंभुनाथ शुक्ल, वो भी इस जोड़ी में आ जुड़े और ये तिकड़ी बन गई। और यही एक बड़ी वजह रही कि मंडलोई कार्यवाहक ही रहे और शपथ लेने के 21वें दिन उन्हें जगह खाली करनी पड़ी। इन तीनों के लिए नहीं, एक पैरा ट्रूपर के लिए नाम डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। तख्तमल पहले की तरह नंबर दो पर मन महसूस कर रह गए। डॉक्टर काटजू ने 5 साल सरकार चला ली, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी के चलते 1962 के विधानसभा चुनाव में वो खुद विधायकी का चुनाव जनसंघ के उम्मीदवार से हार गए। डीपी मिश्र को टिकट नहीं मिला था। पार्टी की गत इतनी बुरी हुई थी कि 296 में से उसके केवल 144 विधायक जीते थे,
चार विधायकों को इधर उधर से लाकर बमुश्किल सरकार बन पाई। तख्त मल जैन जिन्हें काटजू ने धीरे धीरे किनारे कर दिया था, फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे। लेकिन एक तो मध्य भारत में कांग्रेस तगड़े से हारी थी, दूसरा ये कि चुनाव के बाद महाकौशल के कांग्रेसी भगवंतराव मंडलोई के नाम पर एकमत हो गए थे। ऐसे में आखिरकार मंडलोई ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तख्तमल जिंदगी में तीसरी बार नंबर दो पर रह गए। ये अपने आप में इतना प्रत्याशित था कि कांग्रेस हाईकमान को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। दिल्ली में ये किसी को रास भी नहीं आया। नेहरू तो मंडलोई को नाम तक से नहीं जानते थे। मध्य प्रदेश में सरकार बनने की खबर मिली तो उनका सवाल था, क्यों जी मध्य प्रदेश में ये बटलोई कौन है जो मुख्यमंत्री चुना गया है। भगवंत राव मंडलोई खूब पढ़े लिखे थे, लेकिन थे अपेक्षाकृत सीधे साधे। पैसा भी उन्होंने ज्यादा नहीं बनाया था। उनके पास जो पान का डब्बा रहता उसमें से किसी को पान तभी बढ़ाते जब कोई खुद अपने मुंह से मांग लेता। कुल मिलाकर बात यह थी कि वो चालाकी जो राजनीति के लिए जरूरी है वो उनमें इतनी नहीं थी कि वो हाथ आए मौके को पूरा भुना ले। शुक्ल और काटजू की कैबिनेट में उन्हें राजस्व जैसे तगड़े विभाग मिले थे, लेकिन वो रूटीन से आगे नहीं बढ़े। अपने पैर जमाने और ऊपर उठने पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाया। फिर काम करने का उनका रवैया भी ढुलमुल था। अब ये 62 का किस्सा ले लीजिए। मुख्यमंत्री हुए तो एक बार रायसेन में पड़ने वाले बरेली नाम की जगह के एक अफसर की शिकायत उन तक पहुंची। इल्जाम की अफसर किसी की नहीं सुनता, औरतों से भी बदतमीजी से पेश आता है। मंडलोई ने कार्यकर्ताओं से वादा किया कि मैं अफसर का ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। बरेली वाले महीने भर बाद फिर गए, फिर गुहार लगाई। मंडलोई ने कहा इस बार पक्का ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन वो अफसर बना रहा। आखिर में लोगों ने उस अफसर को सड़क पर पटक के मारा, खूब पीटा, सरकार की नाक कटी और तब अफसर का तबादला हुआ। ये था मंडलोई का रवैया। ऐसे उदाहरणों ने इस बात को पुष्ट किया कि टॉप की नेतागिरी मंडलोई के बस की नहीं, और ये बात सरकार के अंदर और बाहर दोनों तरह के लोग जानते थे। मध्य प्रदेश जैसे सूबे में ये बात बड़ी घातक थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस न सिर्फ इलाकाई आधार पर बटी थी बल्कि गैर कांग्रेसी ताकतें भी पूरी तेजी से सिर उठा रही थी। ऐसे में मंडलोई को कुर्सी पर बनाए रखने लायक स्थितियाँ कभी भी बदल सकती थी। वैसे भी उस वक्त मध्य प्रदेश के सियासी पानी में घाघ घड़ियाल भरे पड़े थे, जो सीएम बनने के लिए स्थितियाँ बदलने और नई स्थितियाँ बनाने में माहिर थे। और इसीलिए शुभचिंतक मंडलोई से एक ही बात कहते थे, आईने में मत रहो। पंडित शुक्ल नए मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए भोपाल के आईना बंगले में रहे। इसी बंगले में डॉक्टर काटजू भी रहे, फिर मंडलोई भी यहीं आए। संयोगवश शुक्ल 2 महीने ही मध्य प्रदेश के सीएम रहे और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर काटजू पूरे 5 साल रहे, लेकिन फिर विधायकी का चुनाव हार गए और दोबारा कभी सीएम नहीं बने। इसलिए मंडलोई को ये सलाह दी गई उनके शुभचिंतकों के द्वारा, जो इन सब चीज़ों में यकीन करते थे, कि अब शक उनसे बचने के लिए आप बंगला बदल लें। लेकिन दाद देनी होगी मंडलोई की कि उन्होंने इस तरह की दक्षिण उसी सोच पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो भी सोच में पड़ गए। क्या हुआ, इसके लिए एक पुराने किरदार के पास फिर चलिए, तख्त मल जैन। उन्होंने मंडलोई को अपना नेता कभी नहीं माना। मंडलोई ने भी उन्हें हाशिए पर रखा। जब मंडलोई मुख्यमंत्री बने फुल टाइम, तो कैबिनेट में प्लानिंग और डेवलपमेंट जैसे बिना हनक वाले विभाग तख्तमल को दिए। तख्तमल ने बागी सुर तेज कर दिए, बात दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली तो जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। नेहरू के इशारे पर नरसिंहगढ़ उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री काटजू उम्मीदवार बन गए, और जैसे ही काटजू का नाम आया, क्या मंडलोई क्या तख्तमल, सबको सांप सूंघ गया। क्योंकि जानते थे सब कि काटजू के आने का, विधायक बनने का मतलब है कि तख्तमल और मंडलोई दोनों को वनवास हो जाएगा। दोनों ने सुलह कर ली, पर अब क्या फायदा, जब तक ये हुआ तब तक काटजू उपचुनाव जीत कर विधायक बन चुके थे। मंडलोई को अब साफ संकेत मिलने लगे, इस्तीफा दें, रास्ता खाली करें, मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। शहादत भुनाने की कला नहीं आती थी मंडलोई को। एक कलाकार और था जिस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं था, मगर जो परिधि से केंद्र में पहुंचने की तैयारी कर चुका था, पुराना खिलाड़ी डीपी मिश्रा। वो भी एक चुनाव में जीत विधायक हो गए थे रायपुर की कसडोल सीट से। इन सब के बीच आ गया नेहरू का मास्टर स्ट्रोक, कामराज प्लान।
राज्यों में बरसों से सत्ता में जमा मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दें और जाकर कांग्रेस संगठन का काम करें। कई प्रेक्षकों के मुताबिक असल प्लान तो इंदिरा गांधी के लिए रास्ता साफ करना था, सब वरिष्ठों को सत्ता से दूर कर। प्लान के चलते केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम निपटे। यूपी के ताकतवर सीएम चंद्रभानु गुप्त निपटे। कई औरों के साथ मंडलोई भी निपटे। 29 सितंबर 1963 को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। उन्हें लगा कि नया सीएम उन्हें मंत्री तो बनाकर रखेगा ही, पर मंडलोई गलत थे। नया सीएम था डीपी मिश्रा, कभी उनका दोस्त था, पर द्वारका प्रसाद को याद था कि जब वो दिल्ली के रास्ते भोपाल के सत्ता गलियारों में लौटने की कोशिश कर रहे थे, तब यही मंडलोई तख्त मल संग उनका रास्ता रोक रहे थे। इसलिए डीपी ने अपनी कैबिनेट में आने से उन्हें रोक दिया। फिर 1967 के चुनाव में मंडलोई को विधायकी का टिकट भी नहीं मिला। इन्हीं दिनों उनके दो बेटों का देहांत हो गया और वो बुरी तरह टूट गए। अब उनकी जिंदगी में जिक्र लायक एक और पल बाकी था, बस वो आया साल 1970 में जब इंदिरा गांधी ने उन्हें पद्म भूषण दिया। इसके बाद 7 साल की खामोशी और 3 नवंबर 1977 को मध्य प्रदेश की राजनीति का ये मिसफिट नेता इस दुनिया से चला गया, मगर याद नहीं जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री की सूची में उनका नाम दर्ज है। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज, इसके अगले एपिसोड में देखिए उस नेता की कहानी जिसने नेहरू को कोसते हुए विधायकी छोड़ी, जिसने एक रानी का अपमान किया और एमपी में बीजेपी का पूर्व अवतार जिंदा हो गया, जिसे इंदिरा गांधी का चाणक्य कहते थे और जिसका बेटा अटल बिहारी का चाणक्य बना। इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा वाली भाषा में एक और बात जान लीजिए। अब शकुन मानते थे कि नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन डीपी मिश्र कभी आईना बंगले में नहीं रहे। अगर आपको लल्लनटॉप की यह सीरीज मुख्यमंत्री पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इन नेताओं के बारे में अपनी राय से भी अवगत करवाइए। लल्लनटॉप के वीडियो अगर आप निर्वाह चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, घंटी का निशान, ताकि जब भी पॉलिटिकल किस्से अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। जो दोस्त फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं वो दी लल्लनटॉप के पेज को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के बाद वो जो सी फर्स्ट वाला खोचा बन के आता है उसको भी हौले से छू दें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इत्तला हो जाए आपकी दीवार पर। और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, जिसको डाउनलोड करने का फायदा एक तो ये कि लल्लनटॉप की कोई भी खबर, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, और दूसरा फायदा ये कि कोई भी वीडियो सबसे पहले ऐप वालों को ही नजर आएगा। सोशल मीडिया से भी घंटों पहले ऐप पर वीडियो अपलोड किया जाता है। शुक्रिया।